यदि आपके अंदर कुछ करने का जुनून है और आप कड़ी मेहनत करते हैं तो मेरा मानना है कि आप सफल जरूर होंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप देख रहे हैं ऑलवेज फिट विद अनिल शर्मा। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य ही आप सभी को फिट रखना है। काफी लोगों की डिमांड पर और काफी कमेंट्स भी आए, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। ये वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाला है, हटके होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हाइट इंक्रीज के बारे में बताऊंगा। हाइट इंक्रीज यानी हाइट को कैसे बढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, YouTube पर आपको हजारों लाखों की तादाद में वीडियो मिलेंगी कि हाइट रातों रात कैसे हाइट बढ़ाएं, ठीक है दोस्तों। लेकिन उन वीडियोस में कोई आपको एग्जैक्ट किस वजह से हाइट नहीं बढ़ती, क्या प्रॉब्लम है, कोई नहीं बताता। सभी व्यूज के चक्कर में कुछ भी डाल देते हैं और आप लोग देख लेते हैं। ये वीडियो उन सब से अलग होने वाला है, यूनिक होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर पॉइंट क्लियर करूंगा। स्टार्टिंग से मेरा मतलब है दोस्तों, हाइट क्यों नहीं बढ़ती, क्या प्रॉब्लम है, सारी एक्सरसाइज, सारे डाइट सप्लीमेंट्स, हर चीज मैं इसमें डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला था, इसलिए मैंने इस वीडियो के दो पार्ट कर दिए हैं। इसलिए पहली वीडियो में आपको मिलेगा हाइट हमारी क्यों नहीं बढ़ती, क्या प्रॉब्लम है हमारी बॉडी में, क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से हमारी हाइट नहीं बढ़ती, और दवाइयाँ देने से क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको ये तीन पॉइंट्स क्लियर करूँगा। जो आपका सेकंड पार्ट मिलेगा इस वीडियो का, उस वीडियो में आपको एक्सरसाइज, डाइट, सप्लीमेंट्स, ये तीन चीज़ क्लियर करूँगा, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में थोड़ा टाइम लगा है, वो टाइम इसलिए लगा दोस्तों क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मिले और आप कुछ गलत कदम उठा दें या फिर कुछ गलत सप्लीमेंट्स, डाइट, दवाइयाँ जो भी है वो ले लें, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको ये सभी बातें क्लियर करना चाहता हूँ। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि और बीच में मत काटे, मैं नहीं चाहता कि आपको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि आप अभी स्किप करेंगे, क्या पता कि जिस वीडियो में आप जो पार्ट स्किप कर रहे हो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो, ठीक है दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखो और वीडियो को पूरा देखें, और ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो आपके साथ साथ और लोगों को भी फायदा पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं, फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा फैमिली। अभी हाइट को मैं फैमिली से रिलेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों नेचुरली जो हाइट होती है वो हमारे पेरेंट्स, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं उनके अकॉर्डिंग, उनके आसपास ही बढ़ती है। जैसे आपके पिताजी की 6 फीट हाइट है तो आपकी 6-1 भी हो सकती है, 5-10 भी हो सकती है, 5-11 भी हो सकती है, ये नेचुरली है। किसी की माता की हाइट 5-5 है, 5-6 है, और उसके जो बच्चे हैं उसकी हाइट माता पे भी जा सकती है, उसकी मम्मी पे भी जा सकती है, ठीक है दोस्तों। तो ये पॉइंट भी क्लियर होना आपके जहन में ज़रूरी था, क्योंकि हमारा फैमिली से भी थोड़ा रिलेट होता है हाइट का, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये सिर्फ नेचुरली है, नेचुरली हम हमारी हाइट इतनी जाती है, लेकिन हम एक्सरसाइज, डाइट फॉलो करके हम अपनी हाइट को और बढ़ा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा फैमिली वाला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर है। सेकंड पॉइंट, ये आपको कोई नहीं बताएगा क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से हमारी हाइट नहीं बढ़ती, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, कहीं पे भी आप रिसर्च कर लेना, ठीक है दोस्तों। जो हमारी जो हाइट इंक्रीज करना चाहते हैं, हाइट बढ़ाना चाहते हैं, उसके उनको इस बारे में नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। हमारी जो हाइट बढ़ने की एज होती है वो 18 से 20 साल होती है, इस एज के बाद हम नेचुरली हाइट नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हमारी जो हाइट होती है वो हमारी बोन्स के बढ़ने से, यानी कि हड्डियों के बढ़ने से हमारी हाइट इंक्रीज होती है, ठीक है दोस्तों। जो हड्डियाँ होती है, जो जोड़ होते हैं, उनके बीच में एक कार्टिलेज होता है जिसको हम नरम हड्डियों बोलते हैं, जो हमारी हड्डियों को बढ़ने में मदद करता है। ये कार्टिलेज 18 से 20 साल की उम्र तक खत्म हो जाता है, ठीक है, उसके बाद हमारी नेचुरली हाइट बढ़नी बंद हो जाती है और हमारी जो हड्डियाँ है वो
जोड़ों से जुड़ जाती है। नेचुरली हाइट इसके बाद हम नहीं बढ़ा सकते, ठीक है दोस्तों। इस प्रॉब्लम की वजह से कई बार हमारी हाइट जो है छोटी रह जाती है। ये अक्सर 18 साल लड़कियों और लड़कों में 20 साल तक होता है, ठीक है दोस्तों। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी था, किस वजह से हमारी हाइट बढ़ती है, किस वजह से नहीं बढ़ती, ठीक है दोस्तों। थर्ड पॉइंट है दवाइयाँ। ये तो इसके पीछे तो पूरा वर्ल्ड पड़ा हुआ है दवाइयाँ, क्योंकि दोस्तों हम कब मोबाइल चलाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, वीडियोस वगैरह देखते हैं, उसमें ऐड वगैरह आती है कि रातों रात हाइट बढ़ाए। अभी दोस्तों जो रातों रात हाइट बढ़ाए, एक दिन में एक रात में ऐसा क्या हो जाता है कि आपकी हाइट बढ़ जाती है, ठीक है। ये कुछ बेवकूफ लोग होते हैं जो ऐसे दावे करते हैं कि हमारी ये दवाई लो और रातों रात हाइट बढ़ाओ। आप कुछ भी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई काम करते हैं, रातों रात कुछ बड़ा नहीं होता, रातों रात आप अमीर नहीं होते, ठीक है दोस्तों, उसको ध्यान में रखो। और ये कुछ वीडियोस वगैरह देख के अनपढ़ गवार लोगों की बातों में आके, जिन्होंने कभी किसी चीज़ के बारे में पढ़ा ही नहीं, वो आपको हाइट इंक्रीज की दवाई बताते हैं, नुस्खे बताते हैं। और 20 से 25 साल के लोग अक्सर उनकी बातों में आकर ये गलती कर बैठते हैं, वो हार्मोन्स और नुस्खे खाकर हाइट बढ़ाने के लिए सोचते हैं। और इसके बहुत ही साइड इफेक्ट्स है, बहुत ही नुकसान है। दवाइयाँ तो हमें दोस्तों खानी ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि दवाइयों के साइड इफेक्ट्स कैसे हैं, वो कुछ दवाइयाँ खा के किसी के गर्दन बड़ी हो जाती है, किसी के हाथ लंबे हो जाते हैं, किसी के पैर लंबे हो जाते हैं, किसी का मुंह बड़ा हो जाता है, यानी कि चेहरा, ठीक है दोस्तों। इनसे हमें बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ये साइड इफेक्ट्स जो होते हैं, क्योंकि जो वे दवाइयाँ होती है वो एकदम से हमारी बॉडी में हार्मोन्स का लेवल इतना बढ़ा देती है कि हमारी बॉडी झेल नहीं पाती और उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, और हमें पूरी ज़िंदगी एक पैरालाइज अपाइज की तरह फिर ज़िंदगी जीना पड़ता है। इन दवाइयों से अच्छा है आप जितनी हाइट है उतनी रखें, आप एक्सरसाइज से बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। ये दोस्तों पॉइंट क्लियर करने बहुत ज़रूरी थे, ठीक है, इनके बारे में आपको बहुत जानना ज़रूरी था, क्योंकि यही अक्सर गलती करते हैं लोग और बच्चे कि हमारी हाइट नहीं बढ़ती, हमें ये बताओ ये बताओ, और किसी की बातों में आकर अपनी बॉडी को नुकसान कर बैठते हैं, और हाई लेवल उनका हार्मोन्स का बहुत बढ़ जाता है, और नुस्खे वगैरह खा के इनसे हमें बचकर रहना चाहिए। ये थे दोस्तों 3 पॉइंट कि हमारी हाइट क्यों नहीं बढ़ती, क्या रीज़न है और क्या नहीं करना चाहिए। अभी आगे बात करेंगे हम एक्सरसाइज, जो मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इस वीडियो के 2 पार्ट बनाए। सेकंड पार्ट में आपको एक्सरसाइज मिलेंगे, डाइट मिलेंगे और सप्लीमेंट, ये 3 चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा, ठीक है दोस्तों। तब तक बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।